विजयादशमी के पावन पर्व पर शनिवार को मंडला पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएचई मंत्री संपतिया उइके और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए, जहां कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में पूरे विधि विधान के साथ शस्त्र पूजन सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत काली माता की पूजा अर्चना के साथ की गई, उसके बाद हवन पूजन और आरती का आयोजन हुआ। आखिर में वाहनों का पूजन कर प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में शस्त्र पूजन आयोजित किया गया है। यह देशवासियों के लिए संदेश है कि अस्त्र शस्त्र का भी बहुत महत्व है। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SDOP सहित समस्त पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट। देखिए, आज एक विशेष महत्व है विजयदशमी की, इसे शस्त्र पूजन का। ऐसे सारे देश में और दुनिया में आज विशेषकर हम पुलिस लाइन मंडला में शस्त्र पूजन के कार्यक्रम को विधिवत अभी संपन्न कर रहे हैं, और ये हमारी ये प्रतीक देश की परंपरा है, और इसलिए हम इसको विधिवत परंपरागत इस शस्त्र पूजन को मनाते हैं, और इसमें हमको देवी की आराधना और ये शक्ति और ये जो ताकत मिलती है, और हमारे ये शस्त्रास्त्र जो जिसको कहते हैं अपनी शक्ति सुरक्षा के लिए, और ऐसे सारे देश में इससे पूजन का भी कार्यक्रम होते हैं, और इस दशहरा के पर्व को विशेषकर विजयदशमी को ये विशेष महत्व रहता है। शुभकामनाएं भी दे दीजिए दशहरा। चलिए, आज सभी देशवासियों को और प्रदेश के सभी नागरिक बंधुओं को भी, हमारे जिलावासियों को भी, मैं आज इस विजयदशमी के उपलक्ष में, शस्त्र पूजन के उपलक्ष में आप सबको देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो मैं माँ भगवती को प्रणाम करती हूँ और सभी देशवासी, प्रदेशवासी और जिलावासियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हम मंडला जिले के पुलिस लाइन पे हम लोग खड़े हुए हैं, और यहाँ पे सुबेरे से माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद जी और हमारे सभी कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन के सम्माननीय अधीक्षक और हमारे कलेक्टर विभाग के सम्माननीय सभी अधिकारीगण यहाँ उपस्थित रह करके, और आप सब लोगों के उपस्थिति में यहाँ पे शस्त्र पूजन किया गया, और शस्त्र पूजन के बाद हवन पूजन प्रसादी के बाद हम सब लोग अपने अपने वाहन की भी पूजा किए। जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब से आए हैं, तब से आप सब लोगों को पता है कि जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं, विकास तो हो ही रहे हैं, पर हम लोग जब लड़ाई और युद्ध में जाते हैं तो उसमें हम लोगों को एक बहुत बड़ा युद्ध तलवार और हमारे हथियारों की आवश्यकता पड़ती है। जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद मेक इन इंडिया के माध्यम से देश के अंदर इतने अनेक प्रकार के, चाहे वो हमारे परमाणु बम हो या हमारे कारखानाएं हो या विमान हो, ये हर चाहे पनडुब्बियां हो, हर प्रकार की कारखानाएं देश के अंदर लगाया गया, और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम लोग बाहर विदेशों में भी हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आज हम लोगों ने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दशहरा में हर जिले में प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर के और सामाजिक संगठन के लोग मिलकर के शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया है। जिस तरीके से कृष्ण भगवान ने कौरव और पांडव की जब युद्ध हो रही थी तो उस समय में समीप पत्र चढ़ा करके कृष्ण भगवान ने विजय की आशीर्वाद दिए थे, और आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि रावण को आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने रावण को और रावण को उस समय में युद्ध में हराए थे, और आज रावण दहन भी होती है, और इसलिए हम लोग विजय दशहरा मनाते हैं। और आज हम सब लोगों ने अस्त्र शस्त्र का पूजन करके आज पूरे देशवासियों को एक संदेश माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग दे रहे हैं कि हमारा शस्त्र अस्त्र शस्त्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। मैं विजय दशहरा के उपलक्ष्य में सबको बहुत बहुत शक्ति और शौर्य का पर्व है दशहरा। जिस दिवस पुलिस, जिसका लगातार साहसिक कार्य करना होता है, इसके लिए हम लोगों को प्रेरित करने के लिए, और जो हथियार और जो वाहन हमारे लिए प्रतिदिन उपयोग में आते हैं उनको अपना धन्यवाद अर्पित करने के लिए आज हमने यहाँ पर यज्ञ किया है, और सभी अपने वाहनों की और हथियारों की पूजा करिए। तो निश्चित तौर पर हमें साल में रिमाइंड करता है कि समाज के सेवा के प्रति हमारा जो समर्पण भाव है वो हमेशा बना रहे।